गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम लोग देखने वाले बहुत सारे ट्रिक्स। मैं सोचा कि बहुत सारे वीडियोस बनाऊँ लेकिन मैं सोचा वैसा क्लिकबेटर तो हम काम नहीं करते, तो एक ही वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डाल दिए जहाँ पे आप रैंक पुश और बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो, मस्ती भी कर सकते हो। तो जैसे आपको स्कूल के साइड में स्विमिंग पूल दिखता है, बहुत बार स्क्वाड पुश करते हो, सोलो पुश करते हो तो वहाँ पे अंदर बंदे छुप जाते हो। आपको ऐसे साइड रेलिंग पे चढ़ना है जैसे मैं चढ़ा और यहाँ पे सामने की तरफ कूदना है। यहाँ पे कूद के आप टीपी भी ले सकते हो कम्प्लीटली, आगे पीछे आप टीपी भी देख सकते हो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको जब बंदे का पोजीशन पता चल जाएगा, स्क्वाड का पोजीशन पता चल जाएगा, इधर से आराम से उसके मार सकते हो। बहुत ही कम लोग या YouTube में शायद अभी तक किसी ने भी इस ट्रिक का इजाद नहीं किया, क्योंकि ये ट्रिक मैंने ढूंढा है। इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ से भी चढ़ सकते हो, लेकिन दिक्कत एक बात की आएगी, अगर स्कूल के अंदर कोई है वो आपको आराम से ठोक सकता है, तो आप इधर से भी आराम से अंदर घुस सकते हो। और अंदर घुसने के बाद जब आप ऊपर देखोगे कि बंदा कहाँ पर छुपा है, दीवार का कवर लेके आप उसे आराम से टेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रिक है ये बेसिकली रश के ऊपर है, और अभी रिसेंटली हमको बहुत देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग स्कूल पे कैंप कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो भी स्क्वाड खेल रहा है हम सब लोग जब कॉम्पिटेटिव पुश कर रहे हैं हमने देखा है कि बहुत लोग छत पे पुश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे पीक करके क्लियर करना है कि वो विंडो क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नेट डालना है। अगर आपका टीममेट है तो आप डोर ग्लिच चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोलो हो तो उसके लिए बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा सोलो वर्सेस स्क्वाड भी बहुत बार खेलता है, तो आपको स्मोक एडवांटेज उठाना है। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पे मैंने एज में स्मोक डाला है, तो स्मोक का टाइमिंग भी बताऊंगा। स्मोक देखो पूरा एज में गिरा है। अब वहाँ पे आप जब डोर क्लियर किया आपको इधर से कूदना है, नीचे नहीं गिरोगे क्योंकि वहाँ पे एक रेलिंग है, आप देख सकते हो वहाँ पे एक रेलिंग है। यहाँ से आप साइड पिक लेके बंदे को मार सकते हो, और आप स्मोक के अंदर हो तो उसको अभी भी लगेगा कि आप नहीं दिख रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड पर जाओगे तो यहाँ पर भी पूरा स्मोक है, तो उन लोग को डाउट नहीं होगा कि आप ऊपर से आओगे, तो ये भी एक सकर पंच है, ठीक है। अब जो अगला ट्रिक दिखाने से पहले क्या हुआ, मैं घाटका उतरा और घाटका में मेरे साथ कुछ बंदे उतर गए, तो मैं आपको यहाँ पे ना एक छोटा सा गेम प्ले दिखा दूंगा कि आपके पास पिस्टल भी होगा ना आप कैसे उसको टेक डाउन कर पाओगे। तो देखो मेरा एक हेड उसको लगा, मेरे पास सिर्फ पिस्टल है और उसके पास बैरल था, और बैरल के साथ एक और यार था मुझे याद नहीं है कौन सा है। तो आप देख सकते हो पिस्टल से फाइट ले रहा, ना मेरे पास हेलमेट है ना मेरे पास वेस्ट है, लेकिन आप देखो मैं उसको किस तरह क्लियर करता हूँ। आपको भी ना ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पिस्टल के संग भी आपको इमरजेंसी। आप देखो वो बंदा स्प्रे दे रहा है और मेरा ब्लॉक बाय वॉल हो चुका था, मैं शूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद देखो मैंने उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग घाटका के टिप्स एंड ट्रिक्स पर चलते हैं। तो घाटका का पहला जो टिप है ना ये कम्प्लीटली स्किल बेस्ड है, इसके लिए आपको स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। स्किल्स मतलब टाइमिंग, एक्यूरेट टाइमिंग, ये वन शॉट में करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आने का, और सही टाइमिंग पे अगर आप जंप करोगे तो आप सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओगे। लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें इम्पॉसिबल बोलते हैं, नहीं होता, लॉन्ग जंप बोलते हैं, हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया है और ये पॉसिबल है। उसके बाद आपको सामने की तरफ शैक में कूदना है, और शैक के थ्रू आप ब्लू वाले घर के अंदर जा सकते हो अगर आप अंदर एनिमी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन ट्रिक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अगर सामने वाले घर में बंदा है तो आप शैक का हेल्प लेके सामने की तरफ कूद के उसके बाद आप अंदर देख सकते हो। इसी बीच मुझे एक और बॉट मिल गया, तो आप क्या कर सकते हो सामने की शैक के थ्रू यूज़ करके आप अंदर घुस सकते हो, और अंदर घुस के एनिमीज को शॉक कर सकते हो। गाइस ये दिखने में सिंपल है लेकिन एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद एक और बॉट आया करके मैं सोचा, बट एक्चुअली बॉट नहीं था, ये बंदा था और मैं इसको बहुत लाइट ले लिया था। फिर आपको एक वैन मिलेगा इसी घाटका इलाके में, आपको इस वैन के ऊपर चढ़ना है। स्क्वाड को अपने टीममेट को बोलना है कि उन लोग एनिमीज को थोड़ा सा एंगेज करो, मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहा हूँ, आराम से ऊपर चढ़ जाओ। और यहाँ से फिर आप वहाँ पे पुश मारना, और पुश मार के आराम से आप उस बंदों को मार सकते हो। गाइस घाटका में इतने सारे ट्रिक्स मुझे मिले ना, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आपको मैं घाटका पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्सेस है, आप बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के सामने की तरफ अगर आप कूदोगे तो आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो, और अगर पीछे के घर पे कोई बंदा है तो उसको आप आराम से इधर से टेक डाउन कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर एनिमीज लोग ऊपर की तरफ नहीं देखते हैं, और जितना आप एनिमीज को कंफ्यूज करोगे ना उतना आपके लिए प्रिविलेज होता है। और यहाँ पे भी ट्रिक ख़त्म नहीं होता, आप इधर से भी सामने वाले घर पे कूद सकते हो, इधर से आप दूसरे वाले घर पे कूद सकते हो, और यहाँ से साइड वाले हाउस पे भी नज़र रख सकते हो। और फिर यहाँ पे और भी क्लाइंबिंग ट्रिक्स आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कंटेनर के, यहाँ पे कंटेनर दिखता है, आप इस कंटेनर के थ्रू भी चढ़ के अगर सामने वाले घर पे बंदा है उसको ब्लॉक करके, सामने वाले घर पे अगर बंदा है उसका व्यू ब्लॉक करके आप स्मोक डाल के व्यू ब्लॉक कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आप ऊपर चढ़ सकते हो। और चढ़ने के बाद देखिएगा फिर से आप इन घरों पे स्प्रिंट कर सकते हो, जिस घर पे भी एनिमी है उसकी विंडोज़ में स्मोक डाल देना ताकि उसका व्यू ब्लॉक हो जाए और आप उसका एडवांटेज उठा ले। यहाँ पे एक कुछ बॉक्सेस होते हैं इलेक्ट्रिक बॉक्स, आप उसके ऊपर भी चढ़ सकते हो, और चढ़ के साइड में आप फिर से एज में जाके ऊपर चढ़ सकते हो। और लाल वाले घर पे अगर कोई बंदा है तो उसको आप यहाँ से आराम से एंगल ले सकते हो, और वो बंदे को पता भी नहीं चलेगा, आप यहाँ पे वेट करो लेकिन आपका एंगल आपका एम सटीक होने का, ठीक है।
लास्ट नहीं, लास्ट नहीं, अभी और भी बहुत सारे ट्रिक्स है। सॉरी गाइस, अगर अभी भी वीडियो पे बने हो तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, कर दो यार, भाई तुम्हारे इतना मेहनत करता है, थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, करो यार, अंडररेटेड यूट्यूबर है हम लोग। तो यहाँ पे आपको घर के ऊपर चढ़ना है, घर के ऊपर चढ़ने के बाद सामने वाले शैक के ऊपर कूदना है, ठीक है। अगर सामने वाले घर पर बंदा कैंप कर रहा है तो शैक के ऊपर कूदना है, अगर आपका स्क्वाड उनको बिजी रखा तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से आपको सामने की तरफ कूदना है, और जैसे आप कूदोगे आप उस रूम के अंदर पहुँच जाओगे, और एनिमी अगर जो भी सीढ़ियों में कहीं पर बैठा है उसको आराम से धाबा बोल सकते हो। नेक्स्ट जो ट्रिक है पोजिंग की, नीचे की तरफ का जो ट्रिक है, वहाँ पे जो फार्म बाउंस होता है वहाँ पे आपको बेसिकली इस टेबल पे चढ़ना है, टेबल से शैक के ऊपर चढ़ना है, और शैक से आप इस कमरे के अंदर जा सकते हो। जो बंदे लोग कैंपिंग कर रहे हैं लेटे हुए ना, लेटे लोग को मारना बहुत आसान है क्योंकि वो जल्दी उठ के रिएक्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आप उनको टेक डाउन कर सकते हो। या फिर शैक के ऊपर चढ़ के आप उस घर के ऊपर चढ़ के जो पहाड़ से बंदे आ रहे हो उनको आप यहाँ से होल्ड फायर दे सकते हो। अगर आपका एम अच्छा है तो आप उनको नॉक डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पे जो लाल घर दिख रहा है उसके ऊपर चढ़ने का भी ट्रिक है, तो बाजू में जो कंटेनर्स हैं उनके ऊपर आप चढ़ के जा सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपका स्क्वाड एंगेज कर रहा है तो आप इधर से जब चढ़ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, देख सकते हो सामने कंप्लीट व्यू है, कंप्लीट टेक डाउन। नेक्स्ट जो है फार्म के नीचे की तरफ है, पानी के कोने में जो घर होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग बहुत बार फ्लेयर उड़ाते हैं, आपको बेसिकली टूटे हुए जीप का सहारा लेना है, जीप के ऊपर चढ़ना है, ब्लू वाले कंटेनर के ऊपर चढ़ना है। अब चढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा आपको उस घर के ऊपर जंप करना है। फिर से स्किल बेस्ड होता है, स्किल आपके जितना अच्छा होता है आप गेम प्ले उतना अच्छा सुधार सकते हो। यहाँ पे चढ़ने के बाद आपको सामने का व्यू पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको सामने का व्यू नहीं, आपके नीचे वाले घर में कोई बंदे और आप पे पुश हो रहा है, आप यहाँ से ब्लू वाले कंटेनर पे कूद जाना, जैसे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली हर चीज़ स्किल बेस्ड है, ब्लू वाले कंटेनर पे कूदना है, यहाँ से आपको फिर से शैक में कूदना है, और यहाँ से फिर से आप उस घर के अंदर भी जा सकते हो या फिर छत के ऊपर भी चढ़ सकते हो। इट्स ऑल लाइक पार्कर, ठीक है, आप जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना। अब ये जो घर दिख रहा है, इस घर में ना बहुत ज़िद्दी लोग छुपे रहते हैं, कहाँ पे छुपते कुछ अंदाज़ा नहीं है। ट्रिक है, यूज़ कर लो, आराम से इस घर में घुसो, शैक का डोर खोलो, साइड में चढ़ो। टाइमिंग और प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस लंबा है। टाइमिंग से ऊपर कूदो, ग्रैब करो, ग्रैब करके यहाँ से बैठो और अंदर घुसो, और आपको ये पूरा इलाका मिल जाएगा। आप इस कंप्लीट इलाके को आराम से क्लियर कर सकते हो, आपके टीममेट्स भी क्लियर कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है, उसी घर के सामने एक छोटा सा शैक होगा, फिर से आपको उसी ट्रिक से शैक के ऊपर चढ़ना है, और शैक के ऊपर चढ़ने के बाद बाजू में आप देख सकते हो एक आयरन सा टेंट है छोटा सा, तो उसके ऊपर आप चढ़ सकते हो। चढ़ने के बाद आपको यहाँ से सामने वाले इलाके का पूरा कवर मिल जाएगा, सामने वाले घर का पूरा कवर मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है पीछे से कोई आ रहा है, ठीक है, तो पीछे से आने का भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, लेकिन आप सामने यहाँ से देख सकते हो ना, आराम से क्लियर भी कर सकते हो, नीडिंग भी कर सकते हो, बंदे का ठुकना गारंटीड है। लेकिन अगर सामने से कोई आ रहा है तो आपको जो घर का जो डोर दिख रहा है ना खुला होना चाहिए, और आप ये भी टाइमिंग बेस्ड करो क्योंकि डोर का एज बहुत छोटा होता है ना, तो टाइमिंग पे कूदो और इसके ऊपर चढ़ जाओ और गोली मारो। अब जो दो ट्रिक्स और अब मैं बताऊंगा, दो ट्रिक्स कैसे काम करते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जब आप ऐसे ब्रश करो और सामने बंदा दिख रहा है, कभी भी दीवार के जो एक छोटा सा उभरा हुआ वॉल है उसके ऊपर चढ़ना चाहिए, जिससे आप दूसरी तरफ कूद जाओगे, एनिमी को आराम से टेक डाउन कर सकते हो। गाइस ये सारे वीडियोस मैंने एक ही क्लिप में बनाए ताकि कहीं पे कटिंग्स ना हो। अब यहाँ पे लास्ट ट्रिक जो है, देखो बंदा मेरे को शूट कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे, मैं कैसे हैंडल करता हूँ मैं आपको बताऊंगा। आपको बेसिकली अपने गाड़ी को हमेशा पानी में डाइव इन करना और एक वॉल के सहारे लेना। अब आप सामने देख सकते हो वहाँ पे एक बंदा मेरे लिए कंप्लीट एम लेके बैठा हुआ है कि इसको मैं कैसे ठोकूं। इस सिचुएशन में बचने के लिए कभी भी आप एनिमी को टीपीपी के सहारे देख लेते हो ना, आपको हमेशा रिवर्स स्विम करना है, कभी भी हो रिवर्स स्विम करना है, ताकि वो एनिमी आपको देख ही ना पाए। और आपको ऐसा स्विम करना है कि आपको वो एनिमी नहीं दिखना चाहिए, आपको ऐसा स्विम करना है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो थोड़ी देर के बाद उसने एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे नेट भी डाला था। तो गाइस यही था आज का टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगा, प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।